ओके गाइस, लेट्स गो एंड वॉश माय फेस एंड टिथ। और आज हमें नया जो है ब्रश निकालना है और इसका यूज़ करना है। मैं सोच रही हूँ कि ये वाला या ये वाला, लेट्स सी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आई डिसाइडेड माय ब्रश। मैं सोचा कि मैं ये वाला लूँगी और ये वाला जो है घर वालों के लिए रख दूँगी। आज मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा और मुझे उल्टी आने को हो रही है, लिटरली उल्टी आने को हो रही है। मेरा दिल बार बार ख़राब हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ना तेज़ वाली ठंडी हुई है, तेज़ वाली, जिसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हुई है। और आज इस कंडीशन को तीसरा दिन चल रहा है और अभी भी मैं प्रॉपरली अच्छा फील नहीं कर रहा। लेट्स सी अब मैं कब तक ठीक होती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा वही हाल चल रहा है जो पहले चल रहा था। तो मैं ब्रश करके फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइस, मैं अंदर आ चुकी हूँ, सन बाथ मेरा हो चुका है। अब जो है मैं मेडिसिन खाने लगी हूँ, क्योंकि फिर दोबारा से यू नो तबीयत ख़राब हो रही है, कोल्ड, और वही वाली कंडीशन दोबारा से हो रही है। तो मेडिसिन खाने के वैसे भी बहुत लेट हो गया, 1 बज रहा है अब मैं मेडिसिन खा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन खा लेनी चाहिए थी 10 बजे, इतनी लेट हो गया। मैं मेडिसिन खा के ले रहा हूँ, मेडिसिन। मेरी हालत इतनी बुरी हो रही है ना, बिकॉज ऑफ मुझे इतना ज़्यादा जो है ना रिशा हुआ है, जिसकी वजह से मैं वो बार बार मेरे गले से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, गिल्टी कितनी बड़ी हुई है, आपको इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे लिटरली। बट फिर भी हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मैंने सोचा था कि ये पूरा मंथ जो है ना रेसिपीज का व्लॉग डालूंगी, और एक दिन ही मेरे ख्याल से एक रेसिपी गई है, या मे बी दूसरे दिन भी गई है शायद, तो उसके बाद जी दो रेसिपी। बट मैं जैसे ही ठीक होंगी ना, तो इंशाल्लाह इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रेसिपीज़ डाल सकूँ, कंटिन्यूसली रेसिपीज़ डालूँ। और डेली ब्लॉग तो मेरा चल ही रहा, चाहे मेरी तबियत खराब है या नहीं, एक 2 मिनट का भी ब्लॉग डाल देना तो मुझे उस पर भी सेटिस्फेक्शन है कि यार ब्लॉग तो जा रहा है ना। तो ये वाला सीन है। और लगता है मुझे फीवर फिर से गया, फीवर फिर से आ रहा है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही है कि फीवर बार बार क्यों आ रहा है और बार बार जाता है फिर दोबारा क्यों आ जाता है। आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है मुझे, लेकिन एग्जॉस्टेड फील, सो एग्जॉस्टेड, सो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है मेरा इसकी वजह से। और मुझे नींद भी नहीं आ पा रही इसकी वजह से, मैं सो ही नहीं पा रही। अगर मैं थोड़ा सो जाऊँ तो भी मैं थोड़ा बेहतर फील करूँ, बट ऐसा भी नहीं हो पा रहा। चलो कोई बात नहीं, अगर अभी रेसिपीज़ नहीं आ रही तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत दिन पड़े हैं, पूरा रमज़ान पड़ा हुआ है अभी। तो मैं अभी मेरे ख्याल से मैं सिर्फ 3 दिन की छुट्टी की रेसिपी की, सिर्फ 3 दिन, बट ये 3 दिन भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि अभी जितना दिन छुट्टी होगी, हाँ आगे छुट्टी ना करूँ तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है व्लॉग, कोई बात नहीं, अगर अभी रेसिपीज़ नहीं हुई तो मैं कोशिश करूँगी, अभी रमज़ान के बहुत सारे दिन पड़े हैं तो मैं तब बना के डालूँगी रेसिपी। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी बहुत दिन पड़े हैं तो तब रेसिपी हो जाएगी, आप तब ट्राई कर लीजिएगा। जब तक मैं अभी रेसिपी नहीं डाली तो तब तक आप ऐसा करो कि आप जो है किसी और चैनल से रेसिपी देख लो और व्लॉग मेरे देख लो, कैसा बेस्ट आइडिया ना। वैसे एक बात है कि मुझे जो है ना तबीयत ख़राब में भी सुकून नहीं है, मस्ती करने से बाज़ नहीं आने वाली, मैं लगी हुई हूँ फुल। मैंने अपने घर वालों को इतना तंग किया है ना, इतना तंग किया है ना इन दिनों में, इतना तंग किया है। मैंने पूछा कि आप लोग मुझसे तंग नहीं आते हो, तो कहते हैं नहीं कभी भी नहीं आ सकते। और एक और बात, मैं सिर्फ फेवरेट नहीं हूँ, मैं उनकी बहुत ज़्यादा लाडली भी हूँ, इस वजह से भी जो है ये लोग मुझसे तंग नहीं आते हैं। मैं लोगों को जितना मर्जी तंग कर लूँ, ये लोग मुझसे तंग नहीं आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं बहुत लाडली हूँ, यस बहुत 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 ज़्यादा लाडली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की। अल्लाह पाक बस माशाल्लाह बोल दीजिएगा, नज़र बिल्कुल मत लगाइएगा प्लीज़। तो मैं जो है किचन में आ गई हूँ और अभी जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि कुछ खा लूँ, भूख लगी मुझे, क्योंकि मैंने सुबह का सिर्फ स्लाइस लिया हुआ चाय के साथ और अभी 2:30 का टाइम हो चुका है, मुझे शरीर की क्रेविंग हो रही है, कुछ खाने को होना चाहिए अच्छा सा। तो अभी घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि सब अपने अपने काम पे गए और आज है मंडे, तो इसलिए जो मुझे खाना है ना वो मुझे मेरे लिए खुद ही बनाना पड़ेगा। रमज़ान है तो बाहर से कुछ खा भी नहीं सकता और ऑर्डर भी नहीं कर सकती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत कुछ खुद ही बना लेती हूँ और खुद ही खा लेती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और गला दुख रहा है मेरा, बट मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं कुछ मीठा सा भी बनाती हूँ और रात की रोटी पड़ी है तो साथ जो है एक अंडा फ्राई करते हैं, अंडा फ्राई खाते हैं और साथ में एक मीठा हो जाएगा। मीठे में मैंने क्या किया कि मैंने जो है पोटैटोज़ को ऐसे कट कर लिया, ठीक है अब मैं बनाऊँगी बेसन का बैटर, इस
बाउल में, एंड देन उस बेसन के बैटर को मीठा करने के लिए ना मैं उसमें डालूंगी ये वाला कैरमल, ठीक है, कैरमल टॉपिंग है वैसे इसको, मैं कैरमल सिरप की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये डाल के ना मैं बनाऊंगी मज़ेदार से मीठी 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 जो भी आई चिप्स जो भी बनेगा ये। तो यार ये भी एक आइडिया होगा आप लोगों के लिए, अगर आपको नमकीन आलू नहीं खाने ना तो आप मीठे आलू बना के खा सकते हो, जैसे कि मैं भी खाऊंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा रोज़ा नहीं है तो इस वजह से मैं बना रही हूँ, आप लोगों का रोज़ा है तो आप अफ्तारी में बना लीजिएगा। जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। चूड़ा फ्राई कर लेते हैं, शानदार ठंडा बना है, इसको मैं सर्व करती हूँ प्लेट में। मुझे ना हमेशा से कच्चा पक्का अंडा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हाफ फ्राई इसको बैठ जाने की नज़र लगी, आप लोगों ने नज़र लगाई है, जल्दी रोक लिया बट फिर भी बचत हो गई काफ़ी हद तक। मेरा अंडा थोड़ा बहुत बच ही गया है तो मैं जल्दी से ना पहले ये खाती हूँ, फिर हम बनाएंगे मीठी मीठी आलू। तो मैं खाना खा के आ चुकी हूँ, आई मीन मुझे थोड़ा सा खाया, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, इसकी वजह से मुझसे ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा। अभी गैस ऑन करते हैं और बनाते हैं, मैं रेसिपी दे देती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बेसन लिया, ठीक है, इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी, बाकी कैरेमल डाल दूँगी, कैरेमल टॉपिंग है ये, आप सिरप भी ले सकते हो। उनके सामने डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये भर के चम्मच, अब इसमें जाएगा ये भर के, ये आपके टेस्ट के हिसाब से आपको जितना ज़्यादा टेस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैं चीनी कम रखी है ना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। ये देखिए एक मिनट दिखाती हूँ, मैंने ज़्यादा कैरमल डाला, आप लोग भी ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाले। अब मैं इसको पानी से मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा पानी डालेगा क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि कैरमल ऑलरेडी डल चुका है ना, वो थोड़ा लिक्विड ही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा पानी डाले। अब मैं इसमें पानी डाल दूँ बिल्कुल थोड़ा सा, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ ऐसे। लेकिन हाथ से अच्छा मिक्स होता है ना, वो चम्मच वगैरह से नहीं होता, वो मैं अभी अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहती, बट मुझे लगता है कि नहीं होता, इस तरह मैं हाथ ही डालता है, एज यूजल हाथ ही का इस्तेमाल करना पड़ रहा है हमेशा की तरह। कुछ बहुत मज़े की आ रही है, बहुत मज़े की बनी है, दिखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कौन सी रेसिपी है, बट अगर आप लोगों ने रेसिपी बनाकर ट्राई कर लेना, ट्रस्ट मी, अगर आप लोग मीठा पसंद करते हो तो फिर तो बहुत ही पसंद आएगा आपको, और कैरमल का जो टेस्ट आएगा इसमें वो तो कमाल का आएगा। हालत में मेरी मजा आ रहा है, थोड़ी खराब हो गई है, बाकी ये टेस्ट रेसिपी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। और ये जो इसमें लम्स बन जाते हैं ना, ये मैं उसको तोड़ रही हूँ, बहुत बड़े बड़े लम्स बन जाते हैं, बेसन होता है बेसन में बन ही जाते हैं, लम्स खुला लेते हैं ना हम लोग बेसन, पैकेट वाला नहीं लेते, इस वजह से इसमें लम्स होते ही होते हैं। और अब जी मैंने इसको बना लिया पटाखा, अब इसमें हम दिखाएंगे पटाखा, ये रहे कटे हुए पटाटोस, और ये मैंने करे इसमें ऐड, घी पहले डालते घी गर्म करते थे तब तक इसको अच्छे से लग जाएंगे, ठीक है। घी पता नहीं कहाँ रख दिया, तो मेरे घर वाले ना दो दिन में किचन नहीं आएंगे, तो मेरे घर किचन की हालत पूरी हो गई, लिटरली सिर्फ दो दिन ही आएंगे, सिर्फ दो दिन। गैस मैंने तेज कर दिया, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में इतना टेस्ट लग रहा है, बनके देखो कुछ शानदार लगे। मेरे यहाँ से ऑयल गर्म हो चुका है, ये छोटा सा डाल के देखते हैं, यस ऑयल गर्म हो चुका है, ऐसा क्या कर देंगे क्योंकि इसके अंदर कैरमल भी है और चीनी भी है, ये जल जाएगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। गाइस आई गेस ये रेडी हो चुके हैं क्योंकि मैंने बहुत धीमी आंच पे इसको काफ़ी देर कुक किया है, काफ़ी देर, लिटरली काफ़ी देर। यस ये हो चुके हैं, पहले भैया को बोले देते हैं फिर हम बाद में बोलेंगे। जिस प्लेट में हमने अंडा खाया ना उसी प्लेट में सर्व कर लेते हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर का काम भी मैं कर नहीं रही हूँ, तो बेशक मैं नहीं कर रही हूँ तो आप ही तो कर रही हैं ना, दूसरे का ख्याल करना चाहिए हमेशा। अब ये थोड़ी कि मैं काम नहीं कर रही हूँ तो वो काम कर रही है, तो ये कि मैं बर्तन भर भर के रख लूँ उनके लिए, उनका भी रोज़ा होता है, वो भी जॉब से आती हैं अपने, मैं काम से आती हैं थककर, तो एट द सेम टाइम हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए ना, इसलिए मैं उसी प्लेट में निकाल रही हूँ, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप लोगों ने ये ट्राई ना किया तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया, कसम से बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है।
ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पैन केक्स बनाए, लिटरली ऐसा लग रहा है। और ये रही इनकी कुछ शक्ल, अब सही नजर आएगा। तो ये इनकी शक्ल रही और ये मेरी शक्ल रही, जिस पे 12 या 13 बजे हुए हैं और गले पे तो 10-20 बजे हुए हैं। अपना मजाक खुद ही उड़ा रही, खुद ही खुद को रोस्ट कर रही हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस सच बता रही हूँ, सच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आप लोगों ने ये ट्राई नहीं ना किया तो आप लोगों ने कुछ ट्राई नहीं किया। बहुत ही अमीर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोगों का रोज़ा और आप लोग वॉच करें तो आई एम सो सॉरी, मेरा रोज़ा नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो खा रही हूँ।